Hi everyone, good evening. Shabash, bacha party. Let's get started. Everybody on time? जल्दी बुला लो जो लोग नहीं आए हैं. जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन. अच्छा, 2021 वाले बच्चे जिनका पेपर अभी कुछ 30-40 दिन के अंदर है, सुबह क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा आपके लिए. कल हम पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन. सो आई एम गोइंग टू कवर अप द होल चैप्टर इन वन सेशन. ज़रूरी से ज़रूर ज़रूर रहना वहाँ पे, ठीक है. चलिए, लेक्चर वन ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. आज हम मेजरली प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, ठीक. प्रोकैरियोट्स की बात करनी है और ज़्यादा पन्ने नहीं भरने. तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो सब कुछ कोशिश करना कि एक पेज पे आ जाए, क्योंकि रिविजन में आसानी हो जाएगी, ठीक है. गुड इवनिंग बेटा जी. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग एवरीबडी. वेलकम टू अन अकेडमी नीट. आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन अन अकेडमी प्लस. अन अकेडमी प्लस पे हमारे क्लासेस होते हैं 5 बजे, जहाँ पर 12th के लिए मैंने क्लासेस शुरू कर दी हैं. 12th क्लास के लिए कल से होंगी, सॉरी 4th से होंगी, 4th अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी. एंड दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है. मॉल बायो हम स्टार्ट कर रहे हैं. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन प्लस, ठीक है. कब से? 4 तारीख से. और अन अकेडमी नीट पे, यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे हम लोग मिलते हैं कब? सुबह 9 बजे, रात 8 बजे, एवरी डे मंडे टू सैटरडे. ये आपके पास PDF अपडेट हो जाएगा बेटा यहाँ पे, इसको प्लीज़ फॉलो कर लेना. और आज के अभी इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशन, ठीक है. और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चलता ही रहना चाहिए भाई. सब्सक्रिप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ योर यूट्यूब चैनल. रीज़न बीइंग कि कोई भी नया अपडेट आता है, कोई नया बैच चलता है, शुरू होता है, चाहे आप नहीं देख रहे हो रेगुलर सेशंस, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी. नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए. चलिए जी बेटा, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस. ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट से नाम है, साइंटिस्ट के नाम है. सबसे पहली बात अगर देखूं तो लेट्स डिफाइन सेल. मैम, आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर क्यों नहीं शुरू किया? आप सेल से क्यों पढ़ाना शुरू कर रहे हो? उसका रीज़न है, ये एक बेसिक यूनिट है बायोलॉजी का, ठीक है. सो यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली अ सेल इज. सेल के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल्स हैं हर एक के, सो दैट आपके दिमाग में एक जो बेसिक है ना पॉइंट, उसकी एक इमेज सही बनी हुई हो. फिर वी कैन गो इन टू क्लासिफिकेशन. आपको यही नहीं पता कि एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक बैक्टीरिया क्या होता है और एक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है. मैं वहाँ आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझा दूँ तो खिचड़ी हो जाएगी, है ना. वहाँ बार बार मुझे बोलना पड़ेगा नहीं बेटा आगे पढ़ेंगे सेल में आगे पढ़ेंगे. तो उससे अच्छा है लेट्स मेक द बेसिक्स अ लिटिल बिट मोर क्लियर. सेल से स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं. व्हाई इज सेल सो इम्पॉर्टेंट? पॉइंट नंबर वन, अगर आप नॉर्मल सेल की बात करते हो, राइट, सो सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ. सो बेसिक पॉइंट क्या होगा आपके पास, कि जो आपका सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेस है. इट इज़ द फर्स्ट सेल. जहाँ हम किसी चीज़ को लिविंग बोलना शुरू कर रहे हैं वो मेजरली एक सेल का लेवल है. फिर सबसे छोटा पॉइंट जिसको हम एक लिविंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, सो द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दैट वी हैव इज सेल. And functionally also, something that is overall called as a living organism is a single cell, or a living thing properly will be a cell. तो cell का importance समझ रहे हो? Biology शुरू हो रही है cell से. Simple as that. Okay, तो पहली बात किसने ढूंढा, कहाँ ढूंढा, किससे बात हुई? सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है रॉबर्ट हुक. अब हुक अंकल क्या थे? काम कर रहे थे कॉर्क सेल्स, ठीक है. उन्हें माइक्रोस्कोप नया नया मिला, है ना. आप लोग नए नए केमिस्ट्री लैब में जाते हो, क्या करते हो, हर टेस्ट ट्यूब में 4 नए कलर मिला दिए कि देख भाई विस्फोट होगा, कुछ अजीब बनेगा. तो दैट इज़ जस्ट क्यूरियोसिटी. आई एम नॉट सेइंग जस्ट मिक्स रैंडम कलर्स, बट हाँ, एक क्यूरियस नेचर होता है. तो रॉबर्ट हुक वॉज सीइंग सम स्लाइसेस ऑफ कॉर्क सेल्स, ठीक है. कहाँ गया कॉर्क? ये लिखा हुआ कॉर्क. कॉर्क क्या है? कॉर्क आर डेड सेल्स.
डेड होना किसी सेल का मतलब अंदर कोई भी लिविंग रिएक्शन नहीं चल रहा, कुछ ना बन रहा है ना टूट रहा है, अंदर कुछ नहीं है, खाली है, पानी भी नहीं है, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो साइटोप्लाज्म, देयर इज नथिंग इनसाइड. एक खाली ढांचा रखा हुआ है, बाहर बाहर का कवर है, एंड दैट कवर इज नथिंग बट योर सेल वॉल. तो डेड सेल, फर्स्ट सेल वॉज सीन बाय रॉबर्ट हुक विच वॉज अ डेड सेल. तो एक्चुअली उन्होंने देखा क्या, सिर्फ सेल वॉल देखी. कॉर्न सेल इज अ डेड प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल तो रहेगा. ठीक है, अगली बात, लिविंग सेल पहला किसने देखा? द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज सीन बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ही फर्स्ट सॉ अ लिविंग सेल. तो प्रॉपर अगर सेल की बात करी जाए, द फर्स्ट पर्सन टू सी अ प्रॉपर फंक्शनल सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, ल्यूवेनहॉक. ठीक है, इसके बाद ब्राउन से पहले यहाँ जंप मारते हैं थोड़ा. पर्जिंक यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन साइड द सेल. प्रोटोप्लाज्म, एवरीथिंग इन साइड द सेल. ठीक है, वो जो फ्लूइड वाला नेचर है, फ्लूइड सब्सटेंस दैट वी हैव ऑन द इनसाइड. सो एवरीथिंग इनसाइड इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. अब दो शब्द आएंगे काफी टाइम पे, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, एक और वर्ड आता है प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट इज बेसिकली साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन दोनों शब्दों को ना हम बहुत रैंडमली और बहुत सिनोनिमसली यूज कर जाते हैं, बट ठीक नहीं है, बट आपके लेवल पे कुछ इतना बड़ा डिफरेंस भी क्रिएट नहीं होगा. प्रोटोप्लाज्म जब बोला ना, प्लाज्मा, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड इनसाइड. ठीक है, वहीं पे आपके पास प्रोटोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेन और आ जाती है बाहर, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब बोलोगे मैम नॉर्मल एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं, तो इसका मतलब वो तो प्रोटोप्लास्ट ही हुआ नॉर्मल. इसलिए प्लांट सेल के लिए हम ज़्यादातर प्रोटोप्लास्ट वर्ड यूज करते हैं. तो अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, सेल वॉल ना हटा दो अगर आप किसी भी प्लांट सेल की, तो अंदर सारा का सारा साइटोप्लाज्म और ये वो जितना भी कचरा अंदर है वो सब कुछ विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है बेटा, यहाँ तक राइट. मेम्ब्रेन है तो प्लास्ट है. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एक बहुत मस्त एग्जाम्पल पे, जो थोड़े ही दिन मैंने प्लस पे पहले पढ़ाया था. कभी कभार बड़ा इंटरटेनिंग हो जाता है प्लस का सेशन. ठीक है, आई पता नहीं क्यों मेरे जैसे बच्चे मेरे साथ जुड़ जाते हैं, या मेरे जैसे हो जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट, या मैं उनके जैसे हो गई हूँ पढ़ा पढ़ा के. तो मैंने क्लास में पढ़ाया कि द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड, समबडी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड न्यूक्लियस इन अ सेल इज रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आ रहा है ब्राउन मुंडे, एंड जबरदस्त था भाई क्लास, तो इतना सही आप कभी नहीं भूलोगे, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा. न्यूक्लियस कौन? ब्राउन मुंडे हमारे. ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन. बेटा अगर किसी को भी ये शक है ना दिमाग में, अगर मैं ये एक चीज क्लियर कर देती हूँ यहाँ बिफोर आई गो अहेड, फिर मुझे ऐसे कंफ्यूजन ज्यादा पसंद नहीं है. जब आप प्लस या आइकॉनिक में आते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बायोलॉजी ही बदल दूंगी, है ना. जब आप मुझसे सेल यहाँ पढ़ोगे और जब आप मुझसे सेल प्लस पे पढ़ोगे, तो मैं सेल बदल नहीं दूंगी. द सिलेबस डजंट चेंज, द सेल विल रिमेन अ सेल. जेनेटिक्स विल रिमेन जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी विल रिमेन प्लांट फिजियोलॉजी, C3 साइकिल विल रिमेन C3 साइकिल. डू यू अंडरस्टैंड दैट? भेजे में घुसी ये बात. आई डोंट चेंज द टॉपिक, नोबडी कैन चेंज द टॉपिक, नोबडी कैन टीच यू एनीथिंग एल्स. घुसा इधर कुछ? तो हाँ, ये वही सेल है जो प्लस पे पढ़ाया, क्योंकि सेल चाहे प्लस पे पढ़ो, चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे किसी और एक्स वाई जी इंसान से पढ़ो, चाहे मत पढ़ो, विल रिमेन सेल. दोबारा ये बकवास मेरी क्लास में करना नहीं. ठीक है, पारस बच्चा था ना, पारस एकदम मस्त ब्राउन मुंडे वाला. थैंक यू पारस. नेक्स्ट, ओके, नाउ कम्स द सेल थ्योरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर नीट एग्जामिनेशन. इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमने जब सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो हमारे पास दो मेन साइंटिस्ट थे, श्लेडन एंड श्वान. दोनों का ओरिजिन भी बेटा इंपॉर्टेंट है. सो श्लेडन इज अ जर्मन बॉटनिस्ट,
ठीक है, एंड ब्रिटिश जूलॉजिस्ट श्वान. एनसीईआरटी में देखना, बहुत क्लियरली दिया है ये लाइन. हाँ जी बिल्कुल. सो नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि श्लेडन एंड श्वान दोनों साइंटिस्ट, बॉटनिक्स एक जूलॉजिस्ट, अपना अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है. दोनों ने कुछ जनरल रूल्स बताए हमें अबाउट दीज पर्टिकुलर सेल्स. दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है. और कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर जो इंटरैक्शंस हो रहे होंगे ना, जैसे आप एक इंसान कैसे हो, आप बंदर क्यों नहीं हो, आप पेड़ क्यों नहीं हो, पेड़ भी सेल का बना हुआ है, आप भी सेल के बने हुए हैं. व्हाई इज अ मंकी, मंकी मंकी क्या होता है, मंकी डिफरेंट देन यू, ठीक है, और यू आर डिफरेंट फ्रॉम अ हॉर्स, ऐसा कैसे. जबकि अगर मैं सेलुलर लेवल पे जाऊं तो है तो वही एनिमल सेल. सो क्या हो रहा है, हम लोग सारे सेल्स के बने जरूर हैं, लेकिन उन सेल्स के बीच का इंटरैक्शन कैसा है, उन सेल्स के अंदर कैसा फंक्शन चल रहा है, उससे हमारा पूरा स्ट्रक्चर निकल गया, ठीक है. सो देर इज डिफरेंस एट द लेवल ऑफ इंटरैक्शन, बट वी आर ऑल कंपोज ऑफ द बेसिक यूनिट दैट इज सेल, ठीक है. थोड़ा सा इसमें चेंज आया क्योंकि ये नहीं बता पाए सेल, अच्छा चल ठीक है सब कुछ सेल, दिमाग में तुम्हारे भी आई होगी ये चीज़, क्योंकि खुराफात आए बिना तो रहा नहीं जाता, तो तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज़ आया होगा जरूर कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल, ठीक है. द बेसिक यूनिट इज सेल, तो सेल कहाँ से आया, वेयर डिड सेल कम फ्रॉम, ठीक है. तो ऐसा ही पूछा कि सेल कहाँ से आया, तो जैसा ऑसम क्वेश्चन है वैसा ही ऑसम आंसर है. तो हमारे पास रुडोल्फ वर्चाओ ने कहा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. माइक ड्रॉप होता है ना, ऐसे आगे सुनना मुझे, माइक ड्रॉप. सो सिंपल इज दैट. कहाँ से आया सेल, तेरा बाप की टेबल है, हाँ, तेरा नाम लिखा, हाँ, कहाँ लिखा, ये रहा, वो वाला काम. कहाँ से आया सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है. तो स्वैग में अंकल कॉलर करने ऊपर करके निकल लिए. अब अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला सेल किधर से आया, तो दैट गोज इन टू एवोल्यूशन. जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे 12th क्लास में, सो यू विल स्टडी हाउ इन ऑर्गेनिक थिंग्स स्टार्टेड कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिक, और फिर वो धीरे धीरे कैसे कैसे आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते चले गए, बायोमोलिक्यूल्स बनाते चले गए, एंड देन दे फाइनली फॉर्म द सेल. क्लियर माई पॉइंट, राइट. सो हमारे पास फाइनल सेल थियरी कुछ ऐसे शेप हुई है. तीन पॉइंट्स. All living organisms are composed of cells and products of cell. Point number one. Point number two. Ye wala. All cells arise from pre-existing cells. This was added by Virchow. Rudolf Virchow. ठीक है, उन्होंने add कर दिया. Third point. All cells have similar fundamental structure and metabolic reactions. लगभग इंडिविजुअल लेवल पे सब कुछ सेम मिलेगा. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज डीएनए इन द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और इट माइट नॉट बी प्रेजेंट. लेकिन आप ये पहले तीन लाइंस को ध्यान रखोगे. जेनेटिक मटेरियल वाले पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, बट वो मैं बताऊंगी कहाँ. ठीक है बेटा, ओमिनस सेलुला ई सेलुला जरूर ध्यान रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, जहाँ तुमके तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यू करने बैठे, है ना, कोई आर्ग्यू करने बैठेगा सीधा तुम्हें, तुम कुछ भी बोलोगे ना सामने बोलेगा वायरस. तो वायरस इज लाइक अगेन अनदर माइक ड्रॉप. एज सून एज वो है ना, तुम डिस्कशन में माँ की साड़ी घुसेड़ोगे तो क्या होगा, जैसे राजू राजू रस्त होगी, मेरी माँ ने साड़ी नहीं खरीदे. अब यार डिस्कशन अलग चल रहा है, तुम वायरस ले आओगे तो मैं कैसे आंसर करूँगे बताओ मुझे. डिस्कशन में तुम वायरस ना बोलो बस. तो बायोलॉजी के लिए वायरस इज अ नाइटमेयर. यू नो नाइटमेयर कितना ज़्यादा हो सकता है वायरस. सो वायरस इज एन एक्सेप्शन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, तभी वो बॉर्डरलाइन ऑर्गेनिज्म है. उसके बारे में भी पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में. बट अंडरस्टैंड दैट वायरस इज नॉट एन एक्सेप्शन एग्जैक्टली, क्योंकि वो खुद ही एग्जिस्ट ही बॉर्डरलाइन पे कर रहा है. बॉर्डरलाइन एग्जिस्टेंस है उसका, ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग के बीच में. तो ये जितने भी वायरस रिलेटेड और वायरस से छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सारे सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास सेल ही नहीं है. दीज आर ऑल्सो नोन एज ए सेल्यूलर. क्या बोला इनको, ए सेल्यूलर बोला बेटा हमने. दीज आर ऑल्सो नोन एज विदाउट अ सेल, ठीक है. दीज आर ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. क्लियर. ओ मेरे प्यारे लाल जी,
इतना टाइप कर दिए हो, 11वीं कक्षा लिखा है कि नहीं, सेल चैप्टर क्लास 11th, ठीक है। अगर किसी स्टेट बोर्ड में हो और उसमें क्लास 12th में, तो क्लास 12th, प्लीज यूज योर ब्रेन्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। चलिए यहाँ तक हो गया बेटा, क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके लेट्स गो नाउ डेटा। तो अगर जो बच्चा 11वीं में है वो ये नहीं जानता, जो बच्चा मुझ तक नया नया आया वो भी ये नहीं जानता, तो सिंपल सा फंडा दिमाग में घुसाओ। नॉर्मल गूगल सर्च डेटा के लिए नहीं होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर नीट एग्जामिनेशन, डू नॉट सर्च जनरल डेटा। What is the size of mycoplasma? What is the size of bacteria? Don't search like that. You are not going to find the data that is given in NCERT. अगर आपका most searched neat questions होंगे तो आपका Google वैसा answer करेगा, लेकिन for data always go back to NCERT. ठीक है, जहाँ पर NCERT डेटा की बात करता है उसी का डेटा यूज़ करना है, लेटेस्ट नया। ये मैम देखो, वो मैम यहाँ वाले आर्टिकल में इसका साइज़ ये दिया हुआ था, उस आर्टिकल में ये है, इस रिसर्च पेपर में है, इस किताब में ये है, बिल्कुल सही हो तुम, कोई तुम्हें गलत नहीं बोल रहा, ठीक है। बट NTA बोल देगा, और मेरे हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके हाँ या ना से फर्क पड़ता है। सो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर अ जनरल सर्च, स्टिक टू NCERT। जैसे द स्मॉलेस्ट सेल विच इज माइकोप्लाज्मा इज 0.3 माइक्रोमीटर। अब इधर ही झोल हो जाता है, इसी पॉइंट पे झोल हो जाता है, क्योंकि NCERT में टेक्स्ट के अंदर 0.3 एंड डायग्राम के नीचे 0.1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। कॉन्ट्रडिक्शन, NCERT खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट किया, क्वेश्चन नहीं आएगा, आया तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन में है तो बोथ वाला ऑप्शन होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन में है, ऊपर डायग्राम दिया है और फिर पूछा है साइज, तो गो विद द वन दैट इज विद द डायग्राम, ठीक है। ये ना तरीके हैं पेपर निकालने के, राइट, एंड यू नो वॉट पेपर्स आर, they are about tricking you into things, okay, so please understand that। aur thoda naya wala NCERT download kar lena, corrections hote rehte hain, to please do make sure that you have a new NCERT। okay, bacteria ki baat karte hain to 3 to 5 micrometer size, theek hai। another RBCs ki baat karte hain humans mein to 7 micrometer in diameter, okay। the longest cell is the nerve cell and the largest cell is ostrich egg। ostrich ka egg matlab the ovum, the gamete, not the fertilized egg। fertilized egg to alag cheez hogi na beta, usme to cell ho jayenge kafi, andar aapke paas embryo zygote ka development hone lagega। ostrich egg that is the अनफर्टिलाइज्ड गेमीट, ठीक है। NCERT में डायग्राम है, फोकस ऑन द डायग्राम, इम्पॉर्टेंट। अब आ जाओ, लेट्स ड्रॉ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ब्रॉडली देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज की और कल की क्लास डेडिकेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके बाद की सारी क्लासेस डेडिकेटेड टू यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो नोन एज प्यार से हमारा बैक्टीरिया बेटा यही है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सिंगल एनवेलप सिस्टम। सिंगल एनवेलप सिस्टम का मतलब होता है कि एक बड़े से लिफाफे में अंदर कुछ नहीं हो, बस बड़ा लिफाफा है, ठीक है। देर इज जस्ट वन सिंगल बाउंड्री, अंदर कोई छोटे छोटे कंपार्टमेंट नहीं है, देर इज जस्ट वन सिंगल कंपार्टमेंट, एंड ये जो कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट मेरा तीन लेयर्स के साथ बना हुआ है। अगर हो सके तो NCERT अपनी नोटबुक को ना लैंडस्केप में ले लेना। लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप होता है ये, मान लो ये तुम्हारी NCERT है ना, दिस इज पोर्ट्रेट, दिस इज लैंडस्केप। हो सके तो NCERT को अपने नोटबुक को लैंडस्केप में ले लेना, और डायग्राम छोटा बनाना, क्योंकि मैं बहुत लेबलिंग कराने वाली हूँ,
ठीक है, जो पुराना जानते हैं वो जानते हैं कि क्या होने वाला है पेज पे, जो नहीं जानते हैं, हाँ चलो. सो दिस इज द मेन बैक्टीरियल पार्ट. इसके बाहर हम एक और बना देते हैं, कूल. एंड अंदर भी हम कूल. ओके चलिए, सबसे बाहर वाला लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर नोन एज ग्लाइको. ग्लाइको केलिक्स. ठीक है, वैसे आप अगर मेडिकल स्कूल में जाओगे, मेरी गंदी आदत है, मैं गलत साइड एरो बनाती हूँ. ठीक है, मेडिकल स्कूल में यूजुअली द एरो फेसेस टुवर्ड्स द डायग्राम. अच्छा याद डाल लेना प्लीज. हाँ, दिस काइंड ऑफ इट्स लाइक दिस. द डंडी का एरो इज टुवर्ड्स द डायग्राम बेटा. तो ठीक, आदत डाल लेना, मेरी गंदी आदत है ये, प्लीज इसको करेक्ट डोंट. ओके नाउ, ग्लाइको केलिक्स. ग्लाइको मीन्स शुगर, केलिक्स इज लाइक अ कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग. ठीक है, तो मेजरली ये शुगर की कवरिंग होती है, इट हैज मॉडिफाइड शुगर. तो ग्लाइको केलिक्स इज द आउटर मोस्ट बेटा. तो आउटर मोस्ट चीजें जितनी भी होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर जो भी होती है, वो ज्यादातर प्रोटेक्टिव होती है. आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव. नाउ दिस प्रोटेक्टिव लेयर दैट आई हैव ऑन द आउटसाइड, दिस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन. डेसिकेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर. लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस से. ठीक है, क्योंकि बाहर का जो लेयर है वो इतना स्ट्रांग और अच्छा बना देते हैं हम, कि उसमें से पानी का लॉस फिर हमारे लिए बच जाएगा. तो इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, दूसरा, इट मे हेल्प इन अटैचमेंट. अच्छा, इसको यहाँ प्रोटेक्शन में नहीं लिखते, इसको अलग लिख देते हैं, यहाँ लिख लो, अटैचमेंट में हेल्प कर सकता है. ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन एक चीज और से, होस्ट्स इम्यूनिटी. कैसे? बहुत मस्त चीज है ये. हमारा जो सेल होता है नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से अंदर से निकलती है शुगर. ठीक है, इमेजिन करो ये झंडे हैं. दीज शुगर्स आर नथिंग बट फ्लैग्स. ठीक है, आपका फेवरेट कलर पिंक. ठीक है, या फिर एक लड़का है राम, उसका है फेवरेट कलर पिंक. तो उसके बॉडी के सेल्स जितने भी है ना, सब में ऐसे ऐसे ऑरेंज पिंक कलर का शुगर निकला हुआ होगा. जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल टू मेक यू विजुअलाइज थिंग. तो शुगर्स आर प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब उसके बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, दे नो कि भाई इसके सेल के अंदर, इसके बॉडी के अंदर पिंक कलर के झंडे लगे हुए हैं हर सेल पे. ठीक है, तो अगर पिंक कलर के झंडे लगे हुए हैं इसके हर सेल पे, हमें उनको नहीं मारना है, क्योंकि वो इसी की बॉडी का सेल है भाई लोग, तो अपने सेल को नहीं मारना है. अब इमेजिन करो सारे सेल्स, ऑल द सेल्स इन हिज बॉडी हैव पिंक कलर शुगर प्रोट्रूडिंग आउट. ठीक, मैं वहाँ पे एक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर देती हूँ जिसके सरफेस पे हरे रंग के शुगर लगे हुए हैं, ग्रीन कलर शुगर. तो एकदम से इम्यूनिटी पकड़ लेगी ना, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर ऑन द सरफेस. तो एकदम से इम्यूनिटी पकड़ती है कि ये बाहर का है, ये अपना नहीं है, इसको मारो. तो खटखट खटखट खट, बैक्टीरिया गॉन, इन्फेक्शन नहीं हुआ. ठीक, लेकिन ये बैक्टीरिया इतना समझदार है कि इसने ओवर टाइम ऐसा कुछ कर लिया है कि इट नोज कि ये मेरा होस्ट है. है, मैं हर बार जाऊंगा, मैं राम को ही अटैक करना है मुझे. बार बार ग्रीन भेजता है, मर जाता है, ग्रीन भेजता है, मर जाता है. इसको लग रहा है कुछ झोल है. इसने अपना आउटर लेयर पे शुगर राम के वो पिंक फ्लैग्स जैसे बनवा लिए. सो नाउ द ग्लाइकोकेलिक्स ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो इज पिंक कलर्ड. समझ रहे हो, कलर से समझा रही हूँ क्योंकि विजुअलाइज करना थोड़ा आसान होता है हमारे लिए. आप प्रोटीन और शुगर का स्ट्रक्चर नहीं विजुअलाइज कर पाओगे, है ना. तो जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग पिंक कलर और ग्रीन कलर एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, अब जो बैक्टीरिया आपके उसके राम की बॉडी में घुसा, वो जो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में घुसा, अब उसकी इम्यूनिटी उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकती, उसको अपना सेल माने बैठी है.
तो बॉडी में इन्फेक्शन फैलेगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया को तो फायदा है यहाँ पे, बैक्टीरिया विंस बाय हाइडिंग फ्रॉम होस्ट इम्यूनिटी। ये देख मैं पॉइंट, ये लाइन एनसीईआरटी में है, काफ़ी प्रॉब्लम करती है, इसलिए इसको क्लियर करते हुए। ओके, नाउ ग्लाइकोकेलिक्स ऑन द आउटर साइड कैन बी हार्ड और स्मूथ। हार्ड कवर होता है तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, और स्मूथ होता है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? स्लाइम लेयर, ठीक है। छोटा छोटा लिखना, बहुत लिखवाऊंगी क्योंकि मैं शीट चेंज कर लूंगी, तुम्हारी नहीं होनी चाहिए शीट चेंज। बढ़िया, आशिकी में मर जाएगा ये देश एक दिन। ओके, सेकंड, तो ये हुआ ग्लाइकोकेलिक्स वाला पार्ट। इसके बाद व्हाइट वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने, दिस इज बेटा सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टिडो मीन्स द पेप्टाइड पार्ट, और पेप्टाइड बना है अमाइनो एसिड्स का। ओके, ग्लाइकन मीन्स शुगर पार्ट। तो पेप्टिडोग्लाइकन का होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। किसी बच्चे ने तो मुझे कहीं पे, आई डोंट नो विच स्टेट बोर्ड इट इज, और पता नहीं कोई तो किताब है किसी स्टेट बोर्ड की है बेटा, कि उन्होंने, या पता नहीं केमिस्ट्री में कहीं दिया हुआ है, मुझे नहीं पता किसी स्टेट बोर्ड के साथ जो लेंगे, तो देख लेना एक बारी। बैक्टीरिया का सेल वॉल सेल्युलोजिक बोला हुआ है, नहीं होता है, नो, बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉट सेल्युलोजिक। ध्यान रखोगे थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़े नए हो, अभी तो कोई नया नहीं होगा 11th में, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बता दे रही हूँ, पेप्टिडोग्लाइकन का बना है आपका सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, नॉट सेल्युलोज, नॉट सेल्युलोज। अगेन रिपीटिंग दिस पॉइंट, किसी बच्चे ने भेजा था मुझे, ऐसे बच्चे ऊटपटांग चीज़ें भेजते रहते हैं, मैं उन्हीं से सीख सीख के बताते रहती हूँ तुम लोगों को चीज़ें। ओके, नाउ आई एम गोइंग अ लिटिल स्लो बिकॉज यू नीड टू गेट दिस चैप्टर इन योर खोपड़ी, बिकॉज दिस चैप्टर गोज बैड, बायोलॉजी फॉर लाइफ गोज बैड। ओके, सेल वॉल, इसका ना फर्दर और डिमार्केशन है जिसपे मैं बाद में आऊँगी, दैट इज नोन एज ग्राम स्टेनिंग, आई विल एक्सप्लेन इट इन फर्दर क्लासेस। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ऐसे स्टार लगा के रख लो चाहे, ठीक है। ओके, ब्लू वाला पार्ट आ जाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डायग्राम कैसा बनेगा प्लीज़ डू शेयर विद मी, आई एम ऑलवेज वेरी क्यूरियस कि किसका कैसे डायग्राम बन रहा है, नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दो साल बाद के लिए नोट्स बना रहे हैं, तो अच्छे बना लेना यार, थोड़े से तमीज़दार, प्रेजेंटेबल, सो दैट दो साल बाद ये ना हो अपनी नोटबुक देख के हैं ये क्या लिखा है। थोड़ा सा आराम से लिखो, शांति से लिखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बहुत सिमिलर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉस्फोलिपिड बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, बेटा बहुत सिमिलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और मेम्ब्रेन के नाम पे प्रोकैरियोट के बाद सिर्फ यही है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफ़ी सिमिलर है हमारी और बैक्टीरिया की। तो अगर कोई ये पूछ ले कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, ट्रू सेल्स एंड प्रिमिटिव सेल, प्रो मीन्स पहले, प्रोकैरियोटिक, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल, हाय ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया तुम लोगों को, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है, पहले, कैरियो मीन्स सेल, तो पुराने न्यूक्लियस, पुराने न्यूक्लियस जैसा सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स मीन्स ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल, जिसमें एक्चुअली न्यूक्लियस का प्रेजेंस होता है, ठीक है। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी सिमिलर टू हमारा वाला सेल भी, दैट इज यूकैरियोटिक। अगला आ जाता है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेंड्स ऑन इटसेल्फ, थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम स्ट्रक्चर बहुत छोटा है लेकिन बड़े काम की चीज़ है। मीजो अगेन मिडल, जोम्स मीन्स बॉडी, सो इट इज अ बॉडी विच इज प्रेजेंट समवेयर बिटवीन द वॉल एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। मीजोसोम, वाइट से लिख रही हूँ,
invaginations of plasma membrane. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड हो गई है. इन्वेजिनेशन का मतलब होता है अंदर की तरफ बेंड होना. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेंडिंग ऑन द इनसाइड. व्हेन इट इज बेंडिंग ऑन द इनसाइड, इन्वेजिनेशंस दैट इंक्रीजेस सरफेस एरिया. मैंने आपको पहले भी बोला, जस्ट थोड़ी देर पहले, कि मेम्ब्रेन के नाम पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के पास या प्रोकैरियोटिक सेल के पास. सो इट इज जस्ट सिंपली गोइंग टू फॉर्म. इसी से जो यूज करना है करो. तो क्या करता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए अंदर की तरफ बेंड कर देता है. आप देखो इतना सा होना चाहिए था, अब वो कितना ऐसे गोल घूम के आया है. ठीक है, छोटा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए था, बिल्कुल इतना सा, पूरा नीचे ऐसे गोल घूम के आया, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया. कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस. ठीक, फंक्शंस ऑफ मीजोसोम्स. पहला, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर देता है. दूसरा, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, थर्ड, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्योंकि जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, मतलब सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन, आपका सांस लेना नहीं, यानी सेल के लेवल पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी मिलती है हमको. दैट इज़ बेसिकली ब्रेकडाउन, है ना. आपके ग्लूकोज को हम तोड़ तोड़ के एनर्जी ले रहे हैं. वो जो एटीपी आपके पास मिल रहा है वो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है नॉर्मली, बट इसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो अब कौन करेगा वो काम. दैट वर्क विल बी डन बाय दिस. इट इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ दिस मीजोसोम कैन टेक डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप बना लेगा. जैसे कि यहीं पर बना देते हैं, ऐसा गोलू बनाया, वेसिकल, उंगलियों जैसा बनाया, लैमिलर, ट्यूब जैसा बनाया, ट्यूब्यूलर. हाउ सिंपल, हाउ सिंपल, इससे आसान क्या हो. ठीक है, यस, सिक्रीशंस में भी हेल्प कर सकता है, नो डाउट. इट माइट हेल्प इन अ फ्यू सिक्रीशंस ऑल्सो, बट उसका मेन फंक्शन नहीं होता, इसलिए मैं बट लिख लूँ. इट माइट हेल्प इन सिक्रीशंस ऑफ अ फ्यू थिंग्स जो बाहर की तरफ जाना चाहती हैं या वेसिकल बन के अदर इधर उधर होना चाहती हैं. दैट इज देयर. ठीक है बेटा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी, जो भी तुम्हारी मर्जी हो. कूल, स्ट्रक्चर्स तीन टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, मीजोसोम ऐसे गोलू हो सकता है, वेसिकल जैसा, लैमिलर हो सकता है, फिंगर लाइक, और ट्यूब जैसा हो सकता है, ट्यूबुलर. अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये जो ट्यूब वाला मैं बोल रही हूँ ना, इसमें कभी कभी आपका ऐसे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेंड कर जाता है बेटा, पूरा ट्यूब जैसे बन गया देखो, और उसके अंदर ना आपके पिगमेंट स्टोर हो जाते हैं, मान लो क्लोरोफिल वगैरह. ठीक है, तो एक डंडी है जिसके अंदर पिगमेंट्स हैं, डंडी है जिसमें पिगमेंट है, इसको हम कहते हैं क्रोमैटोफोर. क्रोमैटोफोर, क्रोमैटो मीन्स कलर, फोर डंडी, तो कलर कंटेनिंग डंडी. ठीक है, क्रोमैटो फोर. वैसे तो बैक्टीरिया के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसके आसपास मेम्ब्रेन है, लेकिन ये ऐसा कभी कभी बन जाता है. वो बस मीजोसोम ही था, लंबा हुआ, थोड़ा पिगमेंट स्टोर किया, डिटैच हो गया, फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है, सो इट माइट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और समटाइम्स जस्ट नॉर्मल पिगमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमैटोफोर बोला, क्रोमैटोफोर इज क्रोमैटोफोर, कलर कंटेनिंग डंडी, सिंपल. ठीक है, कंटेन्स पिगमेंट, कंटेन्स पिगमेंट्स. ठीक है, सॉर्टेड. अगला, ये जो मीजोसोम बनाया था ना, इसके साथ आपका जेनेटिक मटेरियल लगा होता है.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जेनेटिक मटीरियल दैट यू हैव इज नोन एज न्यूक्लियोइड. यार बेटा इसके ना बहुत सारे नाम हैं और प्लीज उनको सबको लिख लेना क्योंकि वो अलग अलग नाम से आ जाते हैं. न्यूक्लियोइड और प्रो क्रोमोजोम. क्रोमोजोम से पहले वाला स्ट्रक्चर जो कभी हुआ करता था. न्यूक्लियोइड अ स्ट्रक्चर विच इज प्रिमिटिव टू न्यूक्लियस. ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो इनसिपिएंट न्यूक्लियस. ठीक है, या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस और जीनोफोर. जीनोफोर ऑल आर द नेम्स ऑफ न्यूक्लियोइड. है क्या चीज? दिस इज अ सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. आज बोल रही हूँ ये बात ध्यान रखना. बायोमोलिक्यूल्स जूलॉजी में पढ़ाएंगे, सीप मैम पढ़ाएंगे आगे. ठीक है, या कोई भी और टीचर से आप पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर आएगा. प्लीज़ आंखें खोल के दिमाग खोल के पढ़ना. एज अ बायो स्टूडेंट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और कोई हो नहीं सकता है. ठीक है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आएगा, ध्यान से सुनना. थोड़ा सा हिंट में दे रही हूँ क्या होता है. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. जैसे दो धागे हैं आपने एक साथ रोल कर दिए. ठीक है, दो धागे थे आपने यूँ पकड़े और फिर उसको ऐसे बेंड कर दिया, है ना. तो दो रिंग्स बन गई आपके ऑलमोस्ट सेम डायमीटर, राइट. यू गेट टू रिंग्स. सो इट्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सर्क्यूलर है क्योंकि एंड टू एंड मैच कर रहा है, एंड टू एंड ज्वाइन कर जाता है. जैसे सिंपल इफ वी टेक दिस धागा, आई डोंट हैव अनदर धागा. वेट अ जैसे इमेजिन करो ना, ऐसे है अगर ये, तो ये यहाँ पे जुड़ गया ना. ठीक है, एक साइड जो आपको दिख रही है सामने वाली, एक पीछे भी तो हो गया, तो ये थिकनेस है इसकी, राइट. इमेजिन दैट दिस इज डिवाइडेड इनटू टू. सो ऐसे रिबन जैसा है आपके पास, सर्क्यूलर है. तो सर्क्यूलर ऑलवेज डजंट हैव टू रिमेन सर्कल में ना, सर्कल में रहेगा. ये क्या है? ऐसे ऐसे रह जाता है तो दिख नहीं रहा है सर्क्यूलर, बट खोलूंगी पूरा इसको तो ये सर्क्यूलर है. ओके, सो दिस इज अ सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए. दो स्ट्रैंड्स हैं आगे पीछे, न्यूक्लियोइड कहलाता है. द जेनेटिक मटीरियल वेरी लेस, बहुत कम है. आप सेल का साइज देखो, माइक्रोमीटर बिल्कुल छोटा है ना, 3 to 5 माइक्रोमीटर का साइज था. तो द सेल साइज इज वेरी लेस, हेंस जेनेटिक मटीरियल इज ऑल्सो वेरी लेस. इसलिए हमें कुछ खास ज़रूरत है नहीं पैकेजिंग वैकेजिंग की. ठीक है, तो पैकेजिंग प्रोटीन्स होते हैं कुछ जिन्हें हम बोलते हैं हिस्टोन. हिस्टोन्स आर पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स आर नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, क्योंकि इतना जेनेटिक मटेरियल नहीं है कि मुझे पैक करना पड़े. ठीक है, और अगर इतना होता भी तब भी मुझे और कम जरूरत है क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियस तो है नहीं, आराम से फैल के मस्त नाच रहा है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, बिंदास जिंदगी जी रहे हो. चंदा जी चलो बेटा जी आगे. अरे यार पहुँचा दो यार, थोड़ा आगे पहुँचा दो, जहाँ तक पहुँच गए हम थोड़ा सा आगे, बस थोड़े से और लोग. राइट राइट एग्जैक्टली. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज नेकेड डीएनए, क्योंकि इसके पास हिस्टोन्स नहीं है. गुड, आई एम वेरी गुड 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 गुड, वेरी इम्प्रेस्ड. नेकेड डीएनए भी बोलते हैं क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो है, डीएनए है, बट उसके पैकेजिंग के लिए वो प्रॉपर पैकेजिंग प्रोटीन्स नहीं है. जैसे एक होता है, देखो अगर थोड़े से डिस्टेंस पे ले जाना है, थोड़ा सा सामान ले जाना है, तो आप क्या करोगे? इसे बांध लिया चादर में, है ना, लटका लिया डंडी के ऊपर, निकल लिया, राइट. बट इफ़ यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप मान लो आप रेंट पे रह रहे हो, ऊपर वाले घर से नीचे वाले घर में शिफ्ट करना है सामान, तो काफ़ी सारा सामान तो आप ऐसे ही बस रैंडम उठा उठा के ले जाओगे या कम पैकेजिंग में ले जाओगे ना. यहीं पे यू हैव टू शिफ्ट सिटीज, तो आप फिर बुलाते हो मूवर्स एंड पैकर्स जैसे को, अच्छे से बबल रैप कराते हो सब कुछ. सो दैट इज़ अ गुड पैकेजिंग मटेरियल व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ सामान टू गो, राइट, लॉन्गर डिस्टेंस.
सो दैट इज़ वाई यू कैन में थोड़ा पैकेजिंग बेटर है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा है और कॉम्पैक्टली अरेंज इसको ढंग से करना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा एज हमारा सामान, ठीक है? और टूटा तो कूल, बढ़िया। अब आ जाओ, कहाँ है ये सब कुछ? व्हाट इज द पार्ट इनसाइड नोन एज? एवरीथिंग इनसाइड, ये पूरा पिटारा इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के लिए एक लाइन इस्तेमाल करी गई है जो बच्चों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ध्यान दो। इट इज द मेन एरिना, मेन एरिना फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एरिना मीन्स एरिया, जैसे आपके स्कूल में एक प्लेग्राउंड होता था या ऑडिटोरियम होता था जहाँ आपकी असेंबली होती थी, है ना? तो जो मेन फंक्शन वगैरह हैं, जो भी पूरे स्कूल के एनुअल फंक्शन है, चाहे स्पोर्ट्स डे है, कोई मीट है या कुछ ना कुछ ऐसे है, तो आपका एक मेन एरिया होता है। ऐसे ही सेल का मेन एरिया इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एरिना मीन्स एरिया, द स्टेडियम वेयर एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, शाबाश बेटा, गुड, एक्सेलेंट। चले, मैं ना अगले पेज पे जा रही हूँ, तुम्हारे पास जगह होगी तो प्लीज उसी पे लेबल कर लेना। राइट, कैन वी मेक अनदर एडिशन हियर? नो, आई डोंट वांट टू मेक अनदर एडिशन, इट लुक्स टू प्रिटी टू रुइन। चलिए आगे, थोड़े से और चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। डन, क्विकली कॉमेंट सेक्शन, फटाफट से। इमेजिनेशंस क्या होते हैं? मुझे पता था, दो बार इसलिए समझाया मैंने, वीडियो वापस जाके देखना, मैंने ये हैं वाले काम नहीं करना मेरे साथ। दो बार समझा दिया, एक बार तीसरी बार बस सुनना है, हैं मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं, और जो थोड़ी बहुत बची है इतनी बार बुलवाओगे तो वो भी चली जाएगी। ठीक है, इमेजिनेशंस आर इनवर्ड्स बेंडिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर की तरफ बेंडिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बार कलर देख रहे हैं जरा, क्या थे? ऑरेंज, वाइट, ब्लू। ओके, ऑरेंज, वाइट, या थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो गया। रुको जी, ब्लू से बनाते हैं पहले। ये लो जी, सो दिस इज़ वॉट वी मेड ऑन द लास्ट पेज, यही था हमारे पास। ठीक है, इसी को बना दिया यहाँ पे दोबारा, जिसमें कि मैं न्यूक्लियॉइड फिर से बना दे रही हूँ इधर। ठीक, सो न्यूक्लियॉइड इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ बेटा, सारा कुछ लेबल कर दिया था ना, न्यूक्लियॉइड तो मेन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, लेकिन कभी कभी कुछ बैक्टीरिया में, नॉट ऑल, रिमेंबर दिस, नॉट ऑल, इन सम बैक्टीरिया there is an extra genetic material present, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। Sometimes you have an extra genetic material present, ठीक है, extra genetic material हमारे पास प्लाज्मिड के नाम से, extra जेनेटिक मटीरियल या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल, क्योंकि ये मेन जेनेटिक मटीरियल है, ये तो ऑप्शनल नहीं है बेटा, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, मेन जेनेटिक मटीरियल इज नॉट ऑप्शनल, लेकिन प्लाज्मिड इज ऑप्शनल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ सर्वाइवल एडवांटेज ला के देगा आपको जीने के लिए, कुछ नया जिंदगी में, कोई सुपर पावर है ये। ठीक है, दिस इज अ सुपर पावर, समथिंग दैट इट इज प्रोवाइडिंग टू बैक्टीरिया। सो एक स्टेप आगे सर्वाइवल में, थोड़ा सा बड़ा एडवांटेज इट इज क्रिएटिंग, राइट? सो जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर फर्टिलिटी ले आए बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को फर्टाइल बना दे, तो दैट इज नोन एज एफ प्लाज्मिड। ठीक है, किसी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस डेवलप्ड हो तो आर प्लाज्मिड,
आप आगे जाओगे 12th क्लास में, जब आखिरी चैप्टर में पहुंचोगे ना, तो मुझे याद करोगे कि मैम ने पहले चैप्टर में बताया था. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ट्यूमर इंड्यूस करते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी, तो उसको हम बोलते हैं TI प्लाज्मिड. बड़ा यूज करते हैं हम ये DNA बायोटेक्नोलॉजी में. बायोटेक का नाम बड़ा सुना होगा, स्पेशली जो बच्चे बायो के हैं ना, बड़े दिल से सुनते हैं बायोटेक का नाम, है ना, कसम से. तो हमने एकदम ऐसे, हम तो बायोटेक का कुछ नहीं होता, सब फर्जी है. ओके, सो अगेन रिपीटिंग द सेम पॉइंट, प्लाज्मिड इज ऑल्सो सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड DNA. ये भी सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड DNA है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट प्लाज्मिड विल बी ऑलवेज प्रेजेंट. सो इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है, इन बैक्टीरिया. अगर है तो कोई एडवांटेज जरूर आया होगा आपके बैक्टीरिया के लिए, अगर नहीं है तो थोड़ा और अलग, ठीक है, राइट. अच्छा, एक वैलिड सवाल जो मुझे डाउट कमेंट सेक्शन में दिखा, दैट इज फर्टिलिटी. अगर मान लो मैम प्लाज्मिड नहीं है किसी बैक्टीरिया के पास, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा क्या? द फर्टिलिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. एसेक्सुअली बैक्टीरिया तब भी रिप्रोड्यूस कर सकता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन. आप बचपन से जान रहे हो कि एक सेल दो दो में डिवाइड कर जाता है. सो बाइनरी फिजन से आपका बैक्टीरिया डिवाइड कर सकता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जा सकता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंटर पार्ट बन के आता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है. बहुत कहानी है बेटा, अभी 11वीं शुरू हुई है, ठीक है. वी विल कम टू कॉन्जुगेशन एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ समझाऊंगी मैं. तो प्लीज डू रेफर द सेशन वेन एवर यू कम अक्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा टर्म, ठीक है. सो दिस इज प्लाज्मिड, क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, आप इसी के अंदर झांकोगे ना, आपको साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे नोन एज राइबोसोम्स. कौन से राइबोसोम? 70S. नाउ व्हाट इज S? S रिप्रेजेंट्स 70S कोएफिशिएंट. सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट गिव्स एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी. आपने बैक्टीरिया का सेल लिया और इतनी स्पीड में घुमा दिया मशीन में, मिक्सी जैसा मशीन होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, ठीक है. आपने रखा एक छोटे से वायल में बैक्टीरिया, डाला उसके अंदर जो आपको सोल्यूशन डालना था डाला, और ये घुमाया जुमा तेज जोर से घुमाया आपने उसको कि उसके सारे चिथड़े चिथड़े हो गए, ठीक है, टूट गया पूरा. तो जब वो फटा है ना पूरा, अब जब वो फुल स्पीड में घुमाए तो जो उसमें हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल कर जाएंगे, जो हल्के होंगे वो अलग अलग ग्रेडियंट में आ जाएंगे. डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड देयर डेंसिटी वो पूरे अलाइन कर जाते हैं. ऐसे में इसके राइबोसोम्स हमें एक वैल्यू देते हैं 70 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. 1, 2, 3 वैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 मार्किंग होता है. सो द लोअर यू गो द साइज एंड द डेंसिटी इंक्रीजेस. जितना आप ऊपर हो उस ट्यूब में फ्लोट कर रहे हो, है ना, तो दैट इज लेसर वैल्यू, ठीक है, लेस साइज एंड डेंसिटी. तो आपके पास इस राइबोसोम कहाँ घूम फिरा के बैठेगा? 70 की वैल्यू पे बैठेगा, 70S राइबोसोम. इसी को जब आप यू के आर से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है. इसी चैप्टर में राइबोसोम्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, देन वी विल टेक अप इट इन डिटेल्स. राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि इनका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस. मेन वर्क इज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज. एंड राइबोसोम्स इन बैक्टीरिया माइट बी अरेंज्ड, ध्यान देना,
राइबोसोम्स ज़्यादातर आपको बैक्टीरिया में मिलेगा ऐसा. बैक्टीरिया में एक ही सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए पे जुड़े होते हैं मल्टीपल राइबोसोम्स. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स. ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बहुत सारे नए नए शब्द आ गए एकदम से और खिचड़ी हो गया दिमाग में. राइट, 70S राइबोसोम आपका जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है उसको आप एक बहुत मस्त तेज स्पीड वाले मिक्सी में घुमाते हो, सेंट्रीफ्यूज नाम की. ठीक है, सेंट्रीफ्यूज में घुमाते हो तो इट कम्स एंड सेटल डाउन दैट 70 का वैल्यू. तो उसको हमने बोला 70S राइबोसोम, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो हमें साइज और डेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताता है ये चीज़. अब ये राइबोसोम बना किसका हुआ है? वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए इन आर सेल. हम भी, बैक्टीरिया के पास भी ऐसा ही है. ठीक है, डीएनए तो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, आरएनए इज कैटालिटिक, थोड़ा एंजाइम जैसा काम करता है. ठीक है, तो ये मेरे पास राइबोसोम्स हैं, ये बने हैं आरएनए के. तो जो आरएनए राइबोसोम बनाता है उसको हम बोल देते हैं आरआरएनए. ये किसका बना हुआ होगा? स्मॉल आर कैपिटल आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होगा. आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, मतलब राइबोसोम बनाएगा ये आरएनए, तो उसका नाम पड़ गया राइबोसोमल आरएनए. दूसरा एक और आरएनए हमारे पास होता है, कहलाता है मैसेंजर आरएनए. एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर. मैसेंजर का मतलब होता है कि ये मैसेज लेके आया है. किससे मैसेज लाया है? डीएनए से मैसेज लाया है. क्या मैसेज लाया है? कि प्रोटीन कैसा बनाना है. ठीक है, डीएनए से मैसेज लाया है कि प्रोटीन कैसा बनाना है. तो हमारे सेल्स में ओवरऑल इन आर बॉडी, वेदर इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ बैक्टीरिया और बिगेस्ट ऑफ ब्लू व्हेल, कोई भी होगा, सबके सेल में एक सेंट्रल प्रिंसिपल चलता है बैकग्राउंड में. क्या? कि जो मेरा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसको पढ़ के आरएनए बनवाओ और उसको बोलो कि वैसा सा कुछ प्रोटीन बना दे. दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा, डॉगमा का मतलब होता है प्रिंसिपल. एक छोटे से बैक्टीरिया से लेके ब्लू व्हेल तक हर सेल में यही कहानी है. The basic principle of a cell to exist. DNA कोई information पिछले से लेके आया था पापा मम्मी से, उसको पढ़ के हमने RNA बनवाया और उसको पढ़ के अब हम protein बनवाएंगे. ठीक है, so mRNA carries the message from DNA, जिसको पढ़ के आपका RRNA, that is ribosomal RNA, and एक और RNA होता है tRNA, transfer RNA, मिलके आपको protein बना के देते हैं. and that protein is formed in ribosomes, hence इनको हम बोलते हैं protein factories. ठीक है, इसको हम कहते हैं protein factories. Clear बेटा? यार अगर यहाँ पे सच्ची में कोई हो जाए ना, मिल जाए, तो please do let me know in future. अगर मैं जिंदा रह गई ये सारा nonsense झेलने के बाद, अगर मैं जिंदगी में कभी जिंदा रह गई थोड़े सालों में, है ना, तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर. मैम हम आपके YouTube क्लास में मिले थे, अब देखा ये हमारे बच्चे, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई फील वेरी हैप्पी, कुछ तो फ़ायदा हुआ. राइबोसोम्स, ये पॉली राइबोसोम तक की कहानी क्लियर. और थोड़ा ना, जब मैं ये टाइम पास बीच में बोल रही होती हूँ तो तुम लोग लिख लिया करो. आई एम गिविंग टाइम टू पीपल हु आर राइटिंग. ओके, सो प्लीज़ डू राइट योर. भाई बेटा जी, मैं पढ़ाती हूँ बॉटनी. ठीक है, मैं हूँ बीएससी एमएससी बॉटनी, मास्टर्स इन बॉटनी. अब तुम डॉक्टर लोगों से बॉटनी पढ़ते हो और बॉटनी मास्टर से जूलॉजी पढ़ना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है? कौन सा स्क्रू, विच स्क्रू इज लूज? है, चलो आ जाओ यहाँ पे. अब एक और चीज़ आगे आ जाती है,
थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हुए कंप्लीशन की तरफ, बस कुछ दो तीन पॉइंट्स रह गए बेटा, देन वी आर डन, ठीक है, फिर फ्री हो तुम लोग, चिंता मत करो. सो नाउ दिस इज पॉलीराइबोसोम. अब कोई भी सेल अगर जिंदा रहना चाहता है, अपना एग्जिस्टेंस रखना चाहता है, बोले नहीं भाई मैं जिंदा रहूंगा, तो उसको कुछ खाने को भी तो रखना पड़ेगा ना बेटा, खाने को भी तो रखेगा अपने लिए कुछ रिजर्व में, राइट? सो दोज रिजर्व फूड बॉडीज आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज. इंक्लूजन बॉडीज होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मतलब खाना बाय चांस अगर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, मौसम खराब हो गया, मरने वाले, तो कुछ रिजर्व में खाना पड़ा होना चाहिए. दैट खाना इज मेजरली स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, बैक्टीरियल स्टार्च. फिर आपके पास आ जाएगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी होता है, फैट्स के फॉर्म में भी होता है, प्रोटीन्स के फॉर्म में भी होता है. सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स इन विच यू स्टोर रिजर्व फूड इन बैक्टीरिया, ठीक है. इसके अलावा अब आती है बात कि चलेगा कैसे बैक्टीरिया, हाउ विल इट मूव, है ना, उसका मूवमेंट का क्या तरीका है. तो मूवमेंट का जो उसका तरीका है, दैट इज फ्लैजेला. सो वी हैव अ स्पेशल प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला. फ्लैजेला बहुत इसका एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा साइंटिस्ट लोगों ने बहुत दिमाग खपाया है इस स्ट्रक्चर पे, ठीक है. तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना कि बैक्टीरियल फ्लैजेला इज सो इम्पोर्टेंट. व्हाई बैक्टीरियल फ्लैजेला के लिए ना मैं पूरा सेक्शन यहाँ दोबारा बना रही हूँ, ओके. सो व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रॉ हियर इज दैट दिस इज योर सेल वॉल, ये आपकी ऊपर वाली लेयर, दैट इज द शुगर वाला पार्ट, एंड ये थिकनेस है आपके फॉस्फोलिपिड के अंदर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है बेटा ये, ठीक है. और ये जगह है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस, बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक. इस पूरे सेक्शन में आपको बैक्टीरियल, चलो वाइट से बोलूँ, एक रिंग मिलता है, प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन का डिस्क मिलता है यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में घुसा हुआ. कहाँ घुसा हुआ, ध्यान से सुन लो, छोड़ दो मिनट, लिखना नहीं, बाद में लिख लेना चाहिए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का के अंदर एम्बेडेड आपको प्रोटीन मिलता है कहाँ, यहाँ एक डिस्क. फिर ये अटैच्ड है एक और डिस्क से जो यहाँ स्पेस में बैठी है बीच में. किसके स्पेस में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच वाली जगह पे बैठी हुई है, ठीक है. अगली एक और रिंग मिलती है आपको सेल वॉल के अंदर घुसी हुई. कहाँ घुसी हुई? सेल वॉल के अंदर घुसी हुई. और लास्ट आपको मिलती है ऊपर यहाँ पे, यू विल फाइंड इन द अपर लेयर, जो कि आपका ग्लाइको प्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड, जो ग्लाइकोकेलिक्स वाला पार्ट था ना, शुगर वाला पार्ट, उधर, ठीक है. वहाँ पे डिफरेंस हो सकता है एक चीज़ और का मैं बताऊँगी अभी क्या. इसके बाद यहाँ से निकल के आता है हुक. और इसमें से निकल के आता है ऐसे फिलामेंट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलेट प्रोटीन. किस प्रोटीन का बना है बेटा? फ्लैजेलेट प्रोटीन का बना हुआ है, ओके. इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलेट प्रोटीन, हुक प्रोटीन. ये नीचे जो आपके पास चार लेयर्स, चार रिंग्स बने, इन्हें बोलते हैं बेसल रिंग्स या बेसल बॉडी. अब इनका नाम देखो क्या है. द नेम्स ऑफ द रिंग आर एल पी एस एम. एम स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन. कहाँ है ये? सेल मेम्ब्रेन में है. कहाँ है ये? सेल मेम्ब्रेन में है. तो इसका नाम क्या पड़ गया? एम रिंग. एस इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एस रिंग. पी
सेल वॉल किसका बना हुआ है? पेप्टिडो ग्लाइकन का। हाँ, पेप्टिडो ग्लाइकन का। तो सेल वॉल वाली रिंग का नाम क्या पड़ गया? पी। एंड देन यू हैव एल, दैट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड इज शुगर, लिपिड कंटेनिंग कुछ शुगर मेम्ब्रेन बनी होती है। किसी वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया वी हैव ग्राम नेगेटिव, उसमें बताती हूँ। तो ये एल रिंग सबसे बाहर वाला रिंग होगा, रिंग होगा दैट इज फॉर्म्ड इन द लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। ठीक है, टोटल कितने रिंग्स? चार रिंग्स फॉर्मिंग द बेसल रिंग्स और बेसल बॉडी ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में रिंग्स, हुक एंड द फिलामेंट इज देयर। तो मूव ये रिंग एज अ रिंग रिंग रिंग, हुक जो है रुंग 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 रोटेटर की तरह घूमता है, और आपका पूरा फ्लैजेला ऐसे रुंग 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 घूमता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। यस डार्लिंग, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। क्लियर जी बेटा? लोकोमोशन के लिए किसको यूज किया जाएगा? फ्लैजेला। लोकोमोशन, मूव करना है, फ्लैजेला चाहिए बस, और कोई स्ट्रक्चर नहीं है मूवमेंट के लिए, ओनली फ्लैजेला। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सटेंशन जरूर हो सकते हैं बाहर की तरफ। सम एक्सटेंशन माइट ऑल्सो बी, यार आई एम रनिंग आउट ऑफ कलर्स मैन। हरे से बना दूंगी, तुमको लगेगा हरा होता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। अरे चलो वाइट ही रहने दो। फ्लैजेला, ठीक है, ऐसे ही कुछ एक्सटेंशन और भी होते हैं हमारे पास टूवर्ड्स द आउटसाइड, एंड दीज आर नोन एज पाइलस। ठीक है, या फिर पाइलस एक अलग स्ट्रक्चर है बेटा, एंड फिम्ब्री। फिम्ब्री ये एक अलग स्ट्रक्चर है, पाइलस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, फिम्ब्री इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। दिस इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, ठीक है, एंड नंबर में कम होंगे, दे आर लेस इन नंबर, लॉन्गर इन लेंथ। नंबर में कम है, लॉन्गर इन लेंथ, वेर एज फिम्ब्री इज वेरी मच लार्जर इन नंबर। और जैसे आपकी टूथब्रश नहीं होती, दे नोन एज ब्रिसल्स, आपने देखा ना, विथ सॉफ्ट ब्रिसल्स आपके दांतों को और आपकी गम्स की सेहत के लिए ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो जो ब्रिसल्स है ना वैसे होता है। फिम्ब्री का नंबर बहुत होता है चारों तरफ फैला हुआ, ठीक है, दिमाग में ना एकदम से आता है कि ये जो ऐसे एक्सटेंशन होंगे ना चलने के काम आएंगे, चले चलने के काम नहीं आते। पाइलस एंड फिम्ब्री आर फॉर अटैचमेंट, दोनों का रोल फॉर अटैचमेंट, दे आर नॉट फॉर लोकोमोशन। प्लीज ये चीज बड़ा बड़ा लिख लो, चलने के लिए नहीं है, चिपकने के लिए है। किसको चिपकेंगे? एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को चिपक जाए, ठीक है, एक बैक्टीरिया आपको चिपक जाए, और या फिर किसी सबस्ट्रेटम को चिपक जाए, किसी पत्थर को चिपक जाए, जहाँ चिपकने का है। तीन चीज़ें हैं चिपकने के लिए, ग्लाइकोकैलिक्स चिपका लिया, ठीक है, नहीं है ग्लाइकोकैलिक्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं है, पाइलस फिम्ब्री होगा, कोई ना कोई चिपका जाएगा चिपकने के लिए, ठीक है, चिपकने के काम आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। What is pilus and what is the function of this? भेरे हो है, क्या समझाया मैंने? फ्रेंच, गुस्सा ना दिलाओ। गुस्सा ना दिलाओ। क्लियर हुआ यहाँ तक? कुछ मेरे दिमाग में रह तो नहीं गया, समथिंग आई एम लेफ्ट विद। एक मिनट में नंबरिंग कर देती हूँ तो मेरे को भी याद आ जाएगा कितने थे टोटल। टोटल वी हैव वन, ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन
12. आई थिंक वी आर डन, वी आर गुड, वी आर गुड टू गो. एक और होता है जैसे, हाँ एक चीज आप और लिख सकते हो, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, किसके गैस, ठीक है, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट, गैस वैक्यूल. वैसे तो वैक्यूल नहीं होता बेटा, वैक्यूल के लिए ना मेम्ब्रेन चाहिए होती है, बट देयर माइट बी प्रेजेंस ऑफ गैस वैक्यूल. गैस वैक्यूल क्या होता है, एयर बबल है, हवा है, लिटरली पूरा हवा है. इट इज जस्ट एन एयर बबल, ठीक है. तो बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल वैक्यूल नहीं होता है, लेकिन गैस वैक्यूल का प्रेजेंस हो सकता है, और उसकी वजह से वो फ्लोट करता है पानी वानी में. जो बैक्टीरिया रहते हैं दे आर हेल्पिंग इन बायंसी, ठीक है. तो गैस वैक्यूल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, कोई मेम्ब्रेन नहीं है आसपास, एंड हेल्प्स इन बायंसी. बायंसी मीन्स फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में हेल्प कर देगा. डन डन डन, 13 हो गए, टोटल 13 हो गए. मेरे को पता था कोई एक प्राणी की जिंदगी में तो चयन नहीं होगा. ग्रीन पॉजिटिव, ग्रीन नेगेटिव बोला मैंने, अगली क्लास में पढ़ाऊंगी. आज ही ना करा दो तुमको पीएचडी में, आज जितना पढ़ा है वो तो कल तक भूल जाओगे. हैं कूल, मूविंग अहेड. वैसे मेरे को आज पढ़ाना था, आई ब्रॉट ऑल द नोट्स फॉर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा ये चीज़, ठीक है. कुछ आपको डिटेल अच्छे फैकल्टीज के बने हुए नोट्स चाहिए तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक मेंटोर मिलता है और ये आपको नोट्स मिलते हैं, ठीक है. अगर नहीं है ऐसा, आपको सिर्फ ऐप पे नोट्स पढ़ के काम चल जाएगा, एंड यू आर डूइंग वेरी वेल ऑन योर ओन, प्लानिंग अपना सब कुछ खुद से, तो आप प्लस के लिए भी जा सकते हो. प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे कोमल लाइव यूज़ कर लेना कोड आइकॉनिक के लिए, एंड सिमिलरली न्यू अलॉट ऑफ न्यू बैचेस, ये भी मस्त ऑफर चल रहा है अभी, 2 महीने एडिशनल मिल जाएंगे. एंड प्लस के लिए दिस इज़ देयर कोमल लाइव कोड, आपको सारे डिस्क्रिप्शन लिंक ना बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. देयर इज़ ऑल्सो असिस्टेंस फॉर लोन फॉर योर स्टडीज एंड एवरी थिंग, आप उसके लिए भी देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दिए हुए हैं. ये एक स्कॉलरशिप चल रहा है मैम, नहीं अफोर्ड कर सकते हम, सॉरी, तो नो प्रॉब्लम. 14th और 15th को प्रोडिजी है, डिस्क्रिप्शन में अगेन लिंक है. तो कोमल लाइव कोड KOMAL LIVE लाइव, यूज़ दिस कोड और इसके लिए फटाफट से एनरोल करो. प्लस पे और आइकॉनिक पे डिफरेंस क्या है मैम, हमारी तो ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो गया. प्लस पे और आइकॉनिक पे भी बेटा आप आते हो ना तो एकदम घबराए मत करो, मैं वहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है. जब तक मैं अनअकैडमी की श्रद्धा, तब तक हम यहीं रहेंगे, चिंता नहीं, ठीक. सो व्हाट यू हैव टू डू इज थोड़ा सा पेशेंटली काम करो, मुझे बता देना मैम ऐसे ऐसे हम प्लस पे अभी भी ज्वाइन किए हैं, आपकी क्लास ज्वाइन करनी थी, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है. आई विल गाइड यू थ्रू, नो इश्यूज. आइकॉनिक और प्लस दोनों है, बस पर्सनल गाइडेंस वाली जब बात है ना तो यहाँ पे एक अलग मेंटोर है बेटा, मेरे अलावा एक इंसान, वो आपको डेली प्लानिंग में, असिस्टेंस में, हर चीज़ में हेल्प करेंगे. प्लानर कैसे बनाना है, पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, टेस्ट का पेपर कैसा हुआ, एनालिसिस कैसा हुआ, ये पेपर है ये दे दो, ये सब चीज़ों में हेल्प करेंगे. वेर एज दिस इज़ एवरी टीचर ऑन अन अकेडमी. प्लस पे आपको यूट्यूब पे जितने टीचर्स दिखते हैं उससे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है. एंड वेन आई से प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आई डू नॉट मीन कि सिर्फ मेरा सब्सक्रिप्शन है ये, आपने कोमल लाइव कोड लगाया है, ठीक है, लेकिन आप किसी से भी पढ़ सकते हो बेटा. यू कैन स्टडी फ्रॉम एनी बडी यू लाइक, ठीक है, जिनके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, प्लीज़ गो हैड एंड स्टडी फ्रॉम द योर वो हुएवर टीचर, सारे अच्छे हैं. कोई बस किसी टीचर के साथ कनेक्ट करता है, कोई किसी और टीचर के साथ कनेक्ट करता है, दैट इज़ एब्सोल्यूटली ओके एंड फाइन, ठीक है. अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पे जाना है, 5 बजे यहाँ क्लास होती है. अगस्त में मैं बता दे रही हूँ सेल साइकिल, सेल डिविजन एंड अनाटमी फॉर 11th क्लास इन डिटेल्स, एंड 12th के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है. ये कल 9:30 बजे 9:30 PM टुमारो, 3 तारीख है ना कल, टुमारो आई एम टीचिंग पॉपुलेशन इंटरैक्शंस एब्सोल्युटली फ्री ऑन दिस पर्टिकुलर क्लास,
ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी कल की क्लास में, सुबह वाली क्लास में। नहीं मिलेगा तो आपको जो स्टार्टिंग में टेलीग्राम ग्रुप बताया था मैंने, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ऑगस्ट अगेन रिमाइंडिंग, 12th और 11th दोनों के कोर्सेज मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हूँ। इसके लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 4th एंड दिस सेल साइकिल सेल डिविजन प्लस एनाटॉमी फॉर 11th क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ ऑगस्ट। ठीक है, चलिए अगर एक और स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हो तो वो भी है कॉम्बैट के नाम से, इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, यू कैन एनरोल फॉर द सेम। ठीक है, यू कैन गो एंड एनरोल फॉर द सेम बाय यूजिंग कॉमन लाइफ कोड एंड आई विल सी यू इन क्लास। मस्त स्कॉलरशिप लेके आओ, कहीं अगर ऐसा कुछ लगता है कि किसी टीचर ने कुछ हर्टफुल बोल दिया या कुछ गलत बोल दिया या कुछ ऐसा दैट यू थिंक माइट कॉज एनी प्रॉब्लम, तो प्लीज डू लेट अस नो, डिस्क्रिप्शन में वो भी दिया हुआ है। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा 2021 के लिए, तो जितने भी तुम दोस्त लोग हो बता दो सबको दैट टुमारो 9 PM ओए AM 9 AM। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ मिनरल न्यूट्रिशन, सो वी हैव स्टार्टेड विद प्लांट फिजियोलॉजी इन रिविजन। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ डू लेट देम नो, अपने दोस्तों को भी बता दो। ठीक है, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग शार्प 9 AM एंड टुमारो 8 PM इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।